अब देश में ना सीए लागू होगा ना एनआरसी लागू होगा, ये इनको औकात इनकी पता चल गई। मोदी जी को दस्त लगे, मोदी जी दोबारा किसी कृषि बिल पे, सीए एनआरसी पे, देश में जो देश को भड़काने वाली चीजें और देश को बांटने वाली चीजों पे अब हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब तो छाछ भी फूंक के पियेंगे। सीएनआरसी का साथ दोगे? मैं कह रहा हूँ ना सीए आंदोलन का, अब ना सीए चलेगा ना एनआरसी चलेगा, अब देश में ना सीए लागू होगा ना एनआरसी लागू होगा, ये इनको औकात इनकी पता चल गई। अब ये सीए के और एनआरसी की फाइल से हाथ लगाने भी दस्त होंगे इन्हें, अब नहीं कोई हाथ लगा रहा। नहीं, मेरा सवाल है, अगर सवाल आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ सीए और एनआरसी की फाइल से दस्त हो जाएंगे इन्हें। अब देश में हिंदू मुसलमान वाला कार्ड और ये जो मामले लड़ाने वाले वो कार्ड अब नहीं चलने वाले। तुम कह रहे हो ना कि ये साथ दोगे, साथ देने की जरूरत ही नहीं है, ये फाइल में हाथ लगाते ही दस्त होंगे इन्हें, क्योंकि अब संयुक्त मोर्चा बन गया है। किसी भी धर्म के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अटैक नहीं कर सकती, अब किसी धर्म को ट्रक में भर के पाकिस्तान नहीं छोड़ सकती, किसी भी धर्म को खालिस्तानी नहीं बता सकती। अब इनकी नबज ढूंढ ली, सही इंतजाम हो गया, एकदम वैध सही वाला मिल गया। सवाल सुन लीजिए, हाँ, अगर मुस्लिम समाज सीएनआरसी को लेकर आंदोलन करेगा तो क्या गुर्जर जाट जो लोग आंदोलन कर रहे हैं यहाँ के लोग क्या समर्थन करेंगे? मैं तुम्हें यार नई बात क्यों कर रहे हो, जब मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, जब तुमसे कह रहा हूँ कि ये आंदोलन सक्सेस हो गया, इनके काचुरी निकल गई, दस्त लग गए, और फिर सीए एनआरसी की फाइल पे ये हाथ नहीं लगाएंगे। अब फाइल की बात नहीं कर रहा, मेरा सीधा सिंपल सवाल है, मैं कह रहा हूँ ये सारा ही आंदोलन समाज ये राष्ट्र पे उतरेगा तो क्या जाट गुर्जर यादव उनका समर्थन करेंगे? अरे सबने साथ जाकर, अरे सबने पहले ही करा था, पहले भी करा था समर्थन, लेकिन बात यह है ना कि जिस मजबूती से सबको खड़ा होना चाहिए था, उस मजबूती से खड़े नहीं हो पाए थे, लेकिन अब होंगे खड़े। हाँ बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। अरे उस सीए एनआरसी में क्यों भ्रम फैला रहे हो, उस सीए एनआरसी की जद में सबसे ज्यादा हिंदू आ रहे हैं, 14 लाख हिंदू, 7 लाख मुसलमान आसाम में आ रहे हैं, हिंदू सबसे ज्यादा आ रहा है उस जद में, इसलिए ये भ्रम मत फैलाओ कि ये सीए एनआरसी जो आ रही है ना ये सिर्फ मुसलमानों के लिए, हिंदुओं को आंदोलन करना चाहिए और ये हाथ नहीं लगाएंगे, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ तुमसे हाथ नहीं आंदोलन करना, अरे करना चाहिए, जरूरत पड़ी तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन सुनो जरूरत पड़ी तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन मोदी जी को दस्त लगे, मोदी जी दोबारा किसी कृषि बिल पे, सीए एनआरसी पे, देश में जो देश को भड़काने वाली चीजें और देश को बांटने वाली चीजों पे अब हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब तो छाछ भी फूंक के पियेंगे। संयुक्त मोर्चा क्या अब ऐड करेगा अपनी मांगों में कि किसी एनआरसी जो कानून ला रही सरकार बोल, अरे क्यों चक्कर में पड़ रहा है भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ सीए एनआरसी से तो ये 440 का करंट लगेगा इन्हें, अब ये कहीं नहीं चक्कर में पड़ेंगे। मोदी जी भाई मैं बता रहा हूँ ना, सीए एनआरसी अकेले मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। तेरा पहला जवाब तो सारे सवालों का जवाब ही है। देखो पिछले एक साल से आंदोलन चल रहा है, किसान कह रहे हैं देश का आंदोलन है हमारा, किसी एक समाज एक कम्युनिटी का आंदोलन नहीं है। अब आपने कहा कि सीएनआरसी भी पूरे देश का मुद्दा है, ठीक है ना, तो क्या संयुक्त मोर्चा अपनी मांगों में उसे भी ऐड करेगा? अरे संयुक्त मोर्चा क्यों, उसमें सीएनआरसी में पहले से लोग हैं, उनका साथ देंगे, इसमें ऐड नहीं करोगे? क्यों, अरे संयुक्त मोर्चा करेगा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम सब साथ, पहले भी हमने साथ दिया सबने, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से हमें देना चाहिए था नहीं दे पाए थे, लेकिन जिस इसमें सीएनआरसी में हिंदुओं की संख्या बहुत आ रही है, ये जो बेकार है ना कि हम ट्रक में भर के मुसलमानों को छोड़े आएंगे, ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, नहीं तो आसाम का डाटा निकाल लो, सबसे ज्यादा हिंदुओं पर फर्क पड़ा है, हिंदू उसमें बंद है जेलों में, तो इसलिए ये मुद्दे अब मोदी सरकार इन मुद्दों में नहीं अब लड़ाएगी, तो हिंदू मुसलमान में लड़ाएगी, हमें आपस में लड़ाएगी, ट्रक में भर के छोड़ने वाला मुद्दा अब खत्म हो गया है, क्योंकि मोदी सरकार अब किसान वाली जो एलिट ऐसी टैबलेट बना ली है कि इन मुद्दों से अब दूर दूर रिश्ता नहीं। की बात कर रहे हैं, पिछले एक साल से कहा जा रहा है कि हमारी जमीन छीनने का ये कानून है, हमारी जमीन सरकार ले लेगी। इस देश में बहुत बड़ी एक ऐसी संख्या है जो भूमिहीन किसान है, क्या वो भी मांग ऐड होगी कि सरकार जो भूमिहीन किसान है उनको भूमि दे? संयुक्त मोर्चा इसको ऐड करेगा, इसको प्रमुख नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सरकार का विषय है, सरकारें इसीलिए लाई जाती हैं कि जिन जो हमारे देश में गरीब है, भूमिहीन है, जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, और गरीब जो है
वो गरीब ना रहे और अमीर इतना गरीब ना हो, अमीर ना हो कि पूरे देश का संस्थाएं खरीद ले। तो ये सरकारें इसलिए, लोकतंत्र इसलिए होता है। नहीं, मेरा सवाल ये जो किसान भूमि, यार एक बात बता, तू संयुक्त मोर्चा उन्हें ऐड करेगा कि जो किसान भूमि है यार उनको जमीन दे सरकार। भाई ये संयुक्त के लिए भी क्या आंदोलन? अरे फिर एक बात कर रहा है यार, संयुक्त मोर्चा 500 संगठनों का है और 500 संगठनों में से 47 संगठन निकले। अब ये देश में अलग अलग मुद्दे हैं, संयुक्त मोर्चा उसमें क्यों घुस रहा है? अलग अलग, मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, संयुक्त मोर्चा अलग अलग देश के प्रांतों से आता है और ये 500 संगठन है और इसमें संयुक्त मोर्चा 47 का है। अगर उत्तर प्रदेश की लड़ाई है भूमिहीन की, तो वो राज्य सरकार की है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के लोगों को आना चाहिए आगे। हर राज्य की हर राज्य को बिल्कुल, हर राज्य को, हर मोर्चे को हर राज्य में अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि भूमि किसानों को जमीन मिलनी चाहिए। गरीब गरीब ना रहे और अमीर इतना गरीब अमीर ना हो जाए कि पूरे राष्ट्र को खरीद ले। ये इतना अमीर नहीं, आज की डेट में जब कोरोना काल में हमारे भाई भूखे मर रहे थे तो अडानी और अंबानी की 90 करोड़ पर डे की आमदनी बढ़ रही थी। ये खतरा देश के लिए है, ये खतरा लोकतंत्र के लिए है और ये सिर्फ मोदी सरकार में ऐसा हुआ है, ऐसा पहले नहीं हुआ कभी। मोदी सरकार सिर्फ दो लोगों का लाभ पहुँचाना चाहती है देश में, अडानी और अंबानी, बाकी सबको गरीब करना चाहती है। मोटरसाइकिल का तेल आज 100 रुपए पार है और हवाई जहाज का तेल आज उससे सस्ता है। बताओ ये सरकारें क्या चाहती हैं? हमारे ट्रैक्टर के पार्टों पे, जो ट्रैक्टर के पुर्जे हैं पार्ट्स हैं, उन पर 28% GST है और जो हीरो जवाहरात हैं उन पर 0% है। तो ये मोदी सरकार और जो भाजपा है, ये गलत नीतियां हैं इसकी, इन नीतियों का किसान विरोध कर रहा है और मुझे लगता है कि जो नीतियां आगे गलत आएंगी, संयुक्त मोर्चा उन पर नज़र रखे और उन नीतियों का विरोध करे, पूरे देश का किसान और देश साथ देगा उनका। आपने कई बार कहा कि अमीर अमीर होता जा रहा, गरीब गरीब होता जा रहा। अगर हम बात करें किसानों की, किसान आंदोलन में हम मौजूद हैं इस टाइम, जिस किसान के पास 2000 बीघे जमीन है, जिसके पास 1 बीघा जमीन भी नहीं है, क्या 2000 बीघे वाले जमीन से लेकर उसके 1 बीघे वाले पर नहीं, उसको देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? देखो अब ये विषय, अब एक 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 बात समझ लो कि देश की अलग अलग जगह का अलग अलग समस्याएं हैं और उन समस्याओं को वहाँ के प्रशासन को निपटना चाहिए, इन समस्याओं को। अगर 2000 बीघे जमीन किसी के पास है तो वो लीगली ठीक नहीं है, अगर कैसे घेर रखी है उसने, प्रशासन का ये मामला है, प्रशासन इसको सही से निपटे। और मुझे लगता है कि ये सरकार बदलेगी, जिन्होंने 2-2, 4-4 हज़ार पर कब्जा कर रखा है, जरूर जमीनें भूमिहीनों को देनी चाहिए और दी जाएंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। भाजपा सरकार हाँ बिल्कुल, अगर उन्होंने अनलीगल तरीके से जोत रखी है तो लेनी चाहिए जमीन, क्यों नहीं लेनी चाहिए? फिर वही संयुक्त मोर्चा पे सब कुछ करवा ले, संयुक्त मोर्चा क्या क्या करेगा? किसानों के लिए शासन है, प्रशासन है, हम वोट देंगे तो हमारी कुछ अपनी मानक होंगे, उन पे जो लोग वोट मांगने आएंगे तो हम वोट देंगे। सरकारें आती हैं, सरकारों के काम होते हैं। बीजेपी को वोट दोगे? बीजेपी से तुम्हें बड़ी मोहब्बत है, बीजेपी से क्यों? आपने कहा वोट देंगे, मैं वोट दूंगा जो हमें लगेगा ठीक है, हमारे लिए जो सही काम करेगा, जो देश हित में काम करेगा। बीजेपी ने कोई देश हित में काम नहीं किया, कोई गरीब हित में काम नहीं किया, कोई राष्ट्र हित में काम नहीं किया, कोई काम अच्छा नहीं किया, सिर्फ अडानी और अंबानी उद्योगपतियों के हित में काम किया है। अगर आप किसान है, अगर नहीं है तो वो अलग बात, अगर आप किसान है तो मोदी जी ने आपके लिए तो अच्छा काम कर दिया, कानून वापस ले लिए, अब MSP पर भी एक कमेंट। कानून मांगा किसने था? कानून देश में किसी ने नहीं मांगा था, मोदी जी ने अपने दोस्तों को फायदे के लिए कानून दिया था, वो कानून हमने नहीं चाहिए था, वो वापस ले लिया। अब मोदी जी हमारी जो समस्या MSP की है, MSP की समस्या निपटा दे, उसके बाद जो देश में कानून जो सोचोगे, जो सुनो तो अभी संकल्प पत्र इनका बाकी रखा है, वो हमने जेब में रख रखा है संकल्प पत्र, और जब उत्तर प्रदेश में चुनाव में आएंगे तो संकल्प पत्र उठाया जाएगा। संकल्प पत्र में 14 दिन में गन्ने का, मैं कह रहा हूँ ना, 14 दिन में गन्ने का पेमेंट होना था, 18 इन्होंने लैपटॉप देने थे, 70% डाटा देना था, 15 लाख तो भूल रहे हैं भाई, बेटियों के बलात्कार नहीं होने चाहिए थे, पुलिस को जो है स्मार्ट पुलिस बनाना था, बहुत सारे मुद्दे हैं, संकल्प पत्र में पढ़े जाएंगे और फिर योगी जी से और मोदी जी से पूछा जाएगा। एक बिंदु बता दो संकल्प पत्र में जो आपने पूरा किया हो। कानून वापसी हुआ है तो मोदी जी ने ना देश के ऊपर एहसान किया, ना किसानों के ऊपर एहसान किया, ये कानून तो वापसी करनी ही थी, एक साल में किया, बहुत लेट किया,
और जो लेट किए हैं ना उसका खामियाजा ना देश ने भी भुगत लिया, किसानों ने भी भुगत लिया, और इसका खामियाजा मोदी जी को भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए कानून वापसी करके देश के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। ये कानून देश को नहीं चाहिए थी, किसानों को नहीं चाहिए थे, देश के व्यापारियों को नहीं चाहिए थे, देश को नहीं चाहिए थे। वो कानून थोपने की कोशिश की, इसलिए ये खामियाजा भुगतने के लिए भाजपा और मोदी जी तैयार रहे एकदम। किसके ऊपर एहसान किया फिर वापस करके? किसके ऊपर एहसान किया? किसी के ऊपर एहसान नहीं किया। एहसान अगर किया हुआ तो अपने ही ऊपर भले ही किया हो भाई। देश में जो अनलिमिटेड भंडारण जैसे कानून थे वो देश के लिए घातक थे। देश नहीं चाहता कि ऐसे कानून देश में चलेंगे। देश समझ गया, हमें लड़ाते रहे सीए में, एनआरसी में, दो बच्चों में, दुनिया भर की चीज़ें ला ला के, और हमें हिंदू राष्ट्र बनाने में उलझा दिया, मंदिर में उलझा दिया, मस्जिद में उलझा दिया, मथुरा में उलझा दिया, काशी में उलझा दिया। अब उलझने वाला मामला नहीं है।